एनसीईआरटी पेज नंबर 107, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन है और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है वो प्लॉट करना होगा, तभी हम लोग नेचर जो है वो बता सकते हैं। एज वी नो दैट, जो हम लोग को पता है, क्या पता है कि हम लोग का जो टाइम होता है हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, जो हम लोग का डिस्टेंस होता है हमेशा वाई एक्सिस पर होता है। हमने वैसा ही किया। सेकेंड नंबर फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर, ठीक है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेकिन हमारा डिस्टेंस जो होगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है। तो वही हुआ है, मेरा जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ हमको क्या मिला है, एक कर्व लाइन मिला है, ठीक है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, एक कर्व लाइन होगा, और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। पेज नंबर 107 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कैसा है कि डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन पोज कर रहा है हमारे टाइम के साथ, तो वो क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है और हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम जो है वो आपका कंटिन्यू जो है वो आपका बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ मेरा डिस्टेंस जो है वो 1, 2, 3 पर आकर के रुक गया है और उसके बाद मेरा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकंड में भी डिस्टेंस जो था वो हमारे फिफ्थ सेकंड में है, दैट मीन्स कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो रुका हुआ है। तो फाइनली हमारा आंसर होगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा क्वेश्चन नंबर 3 भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन तो पोज कर रहा है लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन पोज कर रहा है, तो जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है कि मेरा स्पीड जो है वो आपका ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन मेरा टाइम जो है वो कंटिन्यू आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्पीड को बढ़ाया घटा नहीं रहा है, यानी कि ना एक्सेलरेट कर रहा है ना डी एक्सेलरेट कर रहा है, ना रिटार्डेशन हो रहा है ना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो नो एनी एक्सेलरेशन इज फाउंड, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, एक यूनिफॉर्म मोशन से गाड़ी जो है वो आपका चल रहा है, जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से चल रहा है। यानी कि अगर स्पीड मेरा पैरेलल हो जाए टाइम के, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा कि ये एक नॉन एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 107 और क्वेश्चन है कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया कवर होगा वो क्या चीज हम लोग को हेल्प करेगा मेजर करने में। तो यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यानी हम लोग क्या चीज मेजर करेंगे, यानी ये पूरा जो एरिया हमारे पास जो कवर हुआ है वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या पता करता है, वो डिस्प्लेसमेंट पता करता है।